साथियों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज एक ऐसा सांप के बारे में हम जानकारी देने चाह रहे हैं जिसमें नर मादा मेल फीमेल दोनों ही होता है। कुछ लोगों का कहना है कि वो सांप हमारे खटाल में या गौशाला में दूध भी पी लिया है। चलिए उस सांप के बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे। और वही सांप पूंछ से नाक में घुसाकर इंसान का जान भी ले लेता है। तो साथियों, बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है? बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है? मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है? ज़िंदगी एक नेमत है, उसे सलामत ज़िंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो। कब्रगाहों को सजाने की ज़रूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफ़ी, यूं ही गलियों में भटकने की ज़रूरत क्या है? स्टे होम सेफ लाइफ। चलिए, एक ऐसा सांप जो दूध भी पी लेता है, खास करके ये दूध भी पी लेता है। एक दूसरा, ये एक ऐसा सांप है जो पूंछ से अगर मार देता है तो सड़ने गलने भी लगता है। तीसरा, ये पूंछ से नाक में घुसा के इंसान का जान ले लेता है। बिल्कुल अंधविश्वास है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भ्रम फैला हुआ है। तो आइए, रिलीज करने का मजा ही कुछ अलग है। यही एक सांप है जिसको हम लोग घोड़ा पछाड़ ढामन के नाम से जानते हैं, जो काफ़ी फुर्तीला होता है और पलक झपकते ही गायब। देख रहे हैं ना, घोड़ा पछाड़। लोग कहते हैं कि ये मारने से सड़ जाता है। बिल्कुल अंधविश्वास, पहला अंधविश्वास। दूसरा, नाक में पूंछ डाल देता है, वो भी अंधविश्वास है। तीसरा, सांपों के पेट में एंजाइम नहीं है। क्या नहीं है? एंजाइम, इसलिए इसे दूध हजम नहीं होगी। और जबरदस्ती अगर दूध पिला दो तो वोमिटिंग, निमोनिया, बुखार और डेथ। और इसका मेल भी है, फीमेल भी है। जब भी प्रजनन करने का अगर इन लोगों की समय आती है, जैसे कि अप्रैल मार्च में प्रजनन करते हैं ये लोग, तो उस समय ये खास करके नर सांप मादा को ढूंढ लेंगे। कोबरा का भी मेल है, फीमेल है। हर सांप का मेल और फीमेल है। तो साथियों, कुछ लोगों ने हमें सूचना दिया था फ़ोन से कि खास करके ये क्या अंडा देती है? हाँ, ये बच्चों को जन्म नहीं देती है, अंडा देती है। और बहुत ही विचित्र पीला ढामन, इसके चार पांच कलर पाए जाते हैं। सबसे अलग, सबसे जुदा और हमारे ड्रेस से मिलता जुलता बहुत ही अच्छी खूबसूरत सांप। तो दोस्तों, ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। तो प्रेम बनाए रखें और घर में रहें, सुरक्षित रहें और ख़ास करके जनता कर्फ्यू का पूरा पालन करें। तो आज हमें इसे प्राकृतिक परिवेश में छोड़ देना है, हमेशा हमेशा के लिए। गायब, एक सेकंड में गायब। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो? अंधविश्वास जहां हावी है उनकी मानसिकता को चेंज करना बहुत ज़्यादा टफ है। ध्यान रहे, बाहर कहीं जाएं, खास करके सुरक्षा ही आपका बचाव है। जय हिंद, जय भारत। और हम गर्व से कहेंगे वंदे मातरम।